पंजाब दे विच हुणे हुणे एक बहुत वड्डी घटना हुई है। शिवसेना हिंदुस्तान दे प्रधान सुधीर सूरी जी दा गोलियां मार के कतल किया गया। अमृतसर दे विच दिन दिहाड़े एक सिख नौजवान दे वल्लों गोलियां मार के हत्या कर दित्ती गई है। सुधीर सूरी है गलबात की जेल चो पिस्टल कटिया गोलियां क्लोज रेंज तो मारिया गोलियां पंजाब का जिहड़ा माहौल है इस वक्त विगड़न दे आसार है। सो इस बारे पूरी गलबात आप करते हैं वैभव कसरीजा भाजी नाल। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। ओ ठीक हो जी। तो भाजी जो ये इस वक्त बड़ा कांड होया पंजाब नूं हिला देण वाला कांड होया सुधीर सूरी की दिन दिहाड़े एक सिख नौजवान वालों गोलियां मार के हत्या कर दी जाती है, इस नूं किवें देखदे हो, की किसका इशारा लगता है, की इसके कारण लगता है, पंजाब के हालातों के उपर की इसका असर पवेगा? देखो हालात तो बिगड़नगे। शिवसेना ने ऐलान कर दिता है पंजाब बंद। बिल्कुल हालात बिगड़नगे। ईवन रिपोर्ट्स आनिया भी शुरू हो गया, मैं हुणे उही गल कर रहा सीगा, उत्थों तो पता लग रहा है कि कांड वाली जगह के नेड़े तेड़े अग जलनी हो रही है, दुकानों अग लगाई जा रही है, भनतोड़ की जा रही है, की जा रही है अग लगा अग जलनी थोड़ी बहुत है, कोई दुकानों वगैरह अग नहीं लगाई जा रही लेकिन भनतोड़ की जा रही है जी। एक दो वीडियो भी सामने आई ने, अपन भी वीडियो आई ने, अपने भी उत्थे कोरसपोंडेंट है उन्होंने भी भेजी ने, वो भी कह रहे उन्होंने भी दसा कि जी स्विफ्ट कार भन दी गई है जी जी। हूँ स्विफ्ट कार के उ जो स्टिकर लगाया गया लगे हुआ बारिश पंजाब के ऑर्गेनाइजेशन का स्टिकर लगे हुआ है। हूँ कई थ्योरिया ने इतने जी जी, हूँ कई न्यूज़ चैनल भी दसा जा रहा है कि जी सूत्र कह रहे हैं जी, सूत्र का यह कहना है कि जी सूत्र कह रहे हैं कि जी ये किराया आई एस आई ने। बिल्कुल पाकिस्तान पाकिस्तान की आई एस आई का हाथ है। एक पास ये कह रहा है किया जा रहा है, दूजे पास ये किया जा रहा है कि जी वारिस पंजाब के उत्ते सवाल उठ रहे हैं, ठीक है। तीसरे पास मैनू जो एक गल पता लग रही है कि जी ये लड़का इन्होंने जिथे धरना लाया सी उस घर दे विचों आया वो लड़का जी, बिल्कुल जिथे धरना लग्या उस दे नाल वो दे अंदर चला गया या उस तो आया। हुण कई रिपोर्ट आ रही है, हले तो पूरी गल खुल के सामने आऊगी, जो तफ्तीश होगी उस भी दसा जा रहा। तीजी थ्योरी ये है कि जी उस लड़के ने गुस्से दे विच इन्हां नूं मारिया जी, शायद धरना ला के बैठे, शायद उन्होंने घर के बाहर बैठे से, या उन्होंने खिलाफ धरना हो रहा है, या किसी उस धरने के विच लिप्त सीगा उस बंदे कोई फर्क पै रहा है, वो भी एक कारण हो सकता है। जदों तक तफ्तीश नहीं होंगी जी उदों तक पता नहीं लगता जी। गोलियां वजियां जी, हाँ वजियां, गोली चलाई गई चलाई गई, उन्होंने गोली वजन तो बाद इन्होंने नाल जो लोग सके उन्होंने भी गोली चलाई, इन्होंने सिक्योरिटी भी हैगी, सिक्योरिटी वाले लोग भी है, लेकिन वो सिक्योरिटी वाले बेचारे कुछ नहीं कर पाए क्योंकि जो हमला होता अचानक, बिल्कुल अचानक किया गया जी, अचानक किया गया, उस बाद पुलिस भी आ गई उत्थे, उत्थे सारा कुछ होया। लेकिन ये बहुत बड़ा कांड है जी, बिल्कुल पंजाब नू इहदे नाल बहुत फर्क पऊगा। तुहाडे मैं पहले सवाल ते आना जी रखविंदर जी, पंजाब नू इहदे नाल बहुत फर्क पऊगा जी, क्यों? क्योंकि किसे ना किते हिंदू सिख
जान बुझ के आई एस आई का नाम लिया जा रहा है ताकि माहौल हले खराब ना हो जी, जी। क्योंकि जो एक माहौल खराब होता है कोई सोचता नहीं कि गल की हुई एक्चुअल गल तो हले किसी पता नहीं पता लेकिन अगर कितने वारिस पंजाब या सिख हिंदू किया गया या कोई इस खालिस्तान नाल जोड़ के खालिस्तान दे जोड़ के कर दिता गया या कोई इस तरह की चीज़ अगर कर दी गई तो आम जनता भड़क सकती है दंगे हो सकते हैं बहुत कुछ हो सकता है जी इस दे नतीजे बहुत माड़े निकल सकते ओनू दबाने वास्ते उस चीज़ को दबाने वास्ते फिलहाल हो सकता है मैनू नहीं पता पक्की गल नहीं है पर थ्योरी है कि हो सकता है कि सिर्फ क्या जा रहा है कि जी आई एस आई का हाथ है हो सकता आई एस आई का हाथ ना हो जी हो सकता है ये लोकल ही प्रॉब्लम हो सकता है कोई होर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो जिदे करके काम बढ़ गया हो सकता है कोई वड्डी गल हो कोई पुरानी रंजिश होवे करके होया हो हाले कुछ क्लीयर नहीं है आप कुछ नहीं कह सकते थ्योरियां बहुत ने सो तीन थ्योरियां मैं थोड़े सामने रख दित्तियां ने देखने वाले दस सकते हैं कि थ्योरी है बाकी जो रिपोर्ट अगर निकल के आऊगी क्योंकि हाले गल बिल्कुल ताजी ताजी है तफ्तीश होएगी रिपोर्ट्स के निकल के आएगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम है की है अगर जिम अपने वीडियो के अगर तुम देखो ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹਦਾ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਚਲਾਈ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ ਹਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਉਣੀਆਂ ਐਕਚੁਅਲ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਗਦੜ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਸੀਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਹੋਣਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਰਿਹਾ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਪਾਰਟ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਹਸਤੀ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੇ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਹਸਤੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ 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 ਇੱਕ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੈ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੇਖੋ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਿਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦ ਬਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਬੜੇ ਰੌਲੇ ਪਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਐਂਗਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਐਂਗਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੋਈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਈ ਐਸ ਆਈ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਜੀ 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 ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੋਕਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਐਗਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਂਗਲ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਐਗਜੈਕਟ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਐਂਗਲ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਐਸ ਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਈ ਐਸ ਆਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕਾਂਡ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗ ਲਓ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ
मैं ना सिर्फ एक गल नहीं कहूँगा, मैं किसी को गलत नहीं कहूँगा, सही नहीं कहूँगा, पर यह मेरे निजी राय है। मैं एक गल कहूँगा कि अगर तुम्हें पता कि थोड़े को थ्रैट है, थोड़े से थ्रैट है जी, अगर तुम्हें थ्रैट है तो तुम कितने भी जाओ उन्होंने बहुत तरीके न जाओ जी। तो कली सरकार की जिम्मेवारी नहीं है जी, अगर कोई लीडर है जो विवादा है या उन्होंने अगर सिक्योरिटी थ्रैट है, अगर इंटेलीजेंस की इनपुट है, उनके को भी इनपुट है कि मैंने सिक्योरिटी थ्रैट है, तो फिर अगर वो कितने जा रहा है तो तरीके न जाए जी, ध्यान कि मेरा थ्रैट है जी, मैंने कभी भी कुछ हो सकता है, या मेरे तो कोई हमला कर सकता है, या मेरी किसी ने दुश्मनी है तो मेरे हमला हो सकता है, आप भी तो ध्यान जाइए ना जी। कोई भी बंदा उन्होंने ध्यान जाना चाहिए, यदा मतलब यह नहीं है कि सारा कुछ सरकार के ऊपर है। हाँ, सरकार की जिम्मेवारी बनती है, मैं उन्होंने छड़ नहीं रहा, यही नहीं कह रहा कि सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती, बिल्कुल बनती है, क्योंकि ये दूसरा कांड है, एक सिद्धू मूसेवाला वाला कांड जी, ठीक है, ये दूसरा हत्याकांड, दूसरा वाला, दो हत्याकांड एडे वे हो गए जी, कितना कितने सवाल तो उठन गए, सरकार से सवाल उठने भी चाहिए ने। और वही गल जिहड़ा होम डिपार्टमेंट है वह भगवंत मान साहब को आपके कोल है जी, होम मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी वाला डिपार्टमेंट, ये सारा डिपार्टमेंट भगवंत मान साहब आपके कोल रखा हुआ, वो आप देखते हैं जी, सारे बड़ी गल है बिल्कुल। हूँ उन्होंने सवाल तो उठनगे, सिक्योरिटी को लेकर भी उठनगे, क्यों डिनाई की गई, किन्नी डिनाई की गई, जे मैं गलत नहीं तो शायद, मैं पक्का नहीं पता, जे मैं गलत नहीं तो शायद ये वही पर्सन ने जिन्होंने कहा कि मैंने बुलेट प्रूफ गड्डी दो जी, मेरी नॉलेज शायद ये उही ने कि जिन्होंने बुलेट प्रूफ गड्डी मंगी सी जी। देखो बुलेट प्रूफ गड्डी कोई 35 लाख 40 लाख या 60 लाख दे या करोड़ के नेड़े आदि हैं, डिफरेंट डिफरेंट है जी, जी। सो 35 लाख तो मिनिमम 35 लाख रुपया लगता है जी बुलेट प्रूफ गड्डी, लेकिन अगर आप इस कारण इस चीज़ की गल करिए तो बाहर बैठे हुए थे, अगर बुलेट प्रूफ गड्डी इन्होंने को होंगी भी जी तो भी की गड्डी काम करती नहीं करती, तो बाहर तरने से बैठे हुए थे जी, जी गड्डी के बाहर, तो बुलेट प्रूफ गड्डी मिले ना मिले तो एक अलग चीज़ से जी बिल्कुल, उन्होंने सिक्योरिटी वास्ते बुलेट प्रूफ मंगी गड्डी मंगी सी। सो एक आम जनता के पैसे के नाल अगर हर कोई बुलेट प्रूफ गड्डी मंगूगा जी, काम किवें चलूगा बिल्कुल, नाले गल इस चीज़ के भी बुलेट प्रूफ गड्डी होंगी चाहे ना होंगी कोई फर्क नहीं पैना, क्योंकि वो तो एक मंदिर के बाहर बिल्कुल धरना लगा के बैठे हुए थे, फॉर्चूनर कार उन्होंने जी नजर आ रही है, असल चो एक मंदिर के गए थे जी, उसे कुछ कहते कूड़े का ढेर लगे हुआ, ढेर लगे उन्होंने देख के उन्होंने धरना लगाया जी। सो ये जाड़े से स्टार्टिंग इतों ही जी जी, ठीक है, हूँ वो जो धरना लग्या उतों धरना लग्या वो लड़के के घर के बाहर लगे जिन्हें मारी है गोली, ये उस करके होया क्योंकि कुछ लोग इस चीज़ वाल भी इंडिकेशन कर रहे हैं कि जो उन्हें घर के बाहर लगा हुआ है, शायद उन्होंने उत्थे झड़प हुई है जी, एक इंडिकेशन ये भी है, दूजा बाकी इंडिकेशन तो मैं दस ही चुका जी बिल्कुल, एक ही इंडिकेशन है, सो लेट्स सी की निकल के आता की निकल के आता, लेकिन मैं सारे एक गल यही कहूँगा कि इन्नी छेती क्वेश्चन रेज ना करो, इन्नी कोई इस तरह का काम ना करिए, आप कोई 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 गलत काम ना करिए, ना पहुंची हले आप कोई नतीजे ते भी ना पहुंची, और तुझे गलत काम भी ना करिए, आक्रोश से ना आइए, तोड़फोड़ ना करिए, आगजनी ना करिए, कोई यह जा कुछ ना करिए, थोड़ा या संयम वरतिए, क्योंकि अगर नुकसान होगा किसी का भी नुकसान होगा तो आम जनता का ही नुकसान है, चाहे वो सरकार दी चीज़ों का भी अगर नुकसान है, मान लो अगर तुम सरकार की भी कोई चीज़ जला दें, तोड़ दें, कुछ भी कर दें, तो एट द एंड समान तो वो अपना ही है, पैसे तो अपने ही लगे हुए हैं, टैक्स का पैसा आपा ही दिता है, सरकार को पैसा कितों आया, सरकारी समान भी अपना ही समान है जी बिल्कुल, ठीक है, इस करके एक काम ना किया जाए, यदि तफ्तीश होने दो, जेड़े जिन्हें कुछ किया जेड़ा गलत है वो उत्ते एक्शन होना चाहिए, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन आपू ज़्यादा अग्रैसिव नहीं होना चाहिए बिल्कुल, गलत काम नहीं, जो माहौल खराब नहीं होने देना चाहिए, पंजाब दे विच हिंदू है चाहे मुसलमान ने चाहे वह सिख ने कोई भी मेजोरिटी दे विच है चाहे नहीं है, लेकिन सारे आपा भरा भरा कि ना देखो कि जी ये सिख ने तो ये ज़्यादा ने पंजाब दे विच हिंदू घट ने या मुसलमान घट ने या क्रिश्चन घट ने, ये कोई लैन देना नहीं है, क्योंकि पंजाब एक यह जी स्टेट है जिद सारे वो भाईचारक सांझ है, उस चीज़ को खराब ना हो दईए, जे ISI ने कराया तो भी यह गलत है, वो अपनी सांझ खराब कर देना कराना चाहते हैं, जे वैसे होया तो भी आप सांझ क्यों खराब करिए, इनके कारण के पिछे जाया जाऊगा, पता लगेगा की है, तफ्तीश हो दो, सब कुछ सामने आ जाऊगा, लेकिन आपकी सांझ खराब ना करो जी। सो बहुत बहुत धन्यवाद वैभव जी, सो दर्शकों नूं साडे वल्लों भी यही अपील है कि जिन्ना तक कोई भी नतीजा नहीं निकलता इस चीज़ का तो आपां नूं किसी भी तरह का जिहड़ा माहौल है वो खराब नहीं करना चाहिए, चाहे कोई पोलीटिकल लैवल होवे, धार्मिक लैवल होवे, या आपसी जिहड़ी भाईचारक सांझ है उसनूं उस तरह बनाए रखना चाहिए, वो अगे जाके पता चलेगा कि जिहड़ा मर्डर सी पोलीटिकल मर्डर सी या धार्मिक सी या कोई आपसी रंजस सी वो क्लीयर होएगा, तो तब तक बने लो, धन्यवाद।